Hello students, in EVS today we will learn lesson 5 people at work. इसमें हम उन लोगों के बारे में जानेंगे जो अलग अलग profession यानी अलग अलग काम करते हैं. There are many ways for people to earn their livelihood. अपना जीवन चलाने के लिए, अपना livelihood चलाने के लिए लोग बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं. Different names are given to people according to their work. तो जो लोग जैसा काम करते हैं उन्हें हम उसी नाम से पुकारते हैं उनके काम के हिसाब से. Work is also called profession. Work को यानी काम को हम profession भी कह सकते हैं. तो अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से profession होते हैं, कौन कौन से काम होते हैं और जो लोग उन कामों को करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं. First one is doctor. The doctor cures sick people. डॉक्टर के पास वो जाते हैं जो बीमार होते हैं और डॉक्टर का काम होता है बीमार लोगों को ठीक करना. फार्मर, द फार्मर ग्रोस फूड फॉर अस. फार्मर यानी किसान, तो किसान हमारे लिए खाना उगाते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं. बार्बर, द बार्बर कट्स हेयर. जब हमारे बाल बढ़ जाते हैं हमें उन्हें कटवाने की जरूरत होती है तो हम बार्बर के पास जाते हैं यानी नाई के पास जाते हैं. पुलिसमैन, द पुलिसमैन कैचेस थीव्स. जो भी चोर होते हैं उन्हें पुलिसमैन पकड़ते हैं. टीचर, द टीचर टीचेस अस. टीचर हमें पढ़ाती हैं. कॉबलर, द कॉबलर मेंड्स शूज. हमारे शूज टूट जाते हैं या सैंडल टूट जाते हैं तो उन्हें कॉबलर ठीक कर देता है. पोस्टमैन, द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स मनी ऑर्डर्स एंड टेलीग्राम्स. ही ब्रिंग्स देम फ्रॉम पोस्ट ऑफिस. तो जो पोस्टमैन होता है वो लेटर्स लाता है, जो हमें खत लिखते हैं लोग वो हमें लाकर देता है, और मनी ऑर्डर्स जो पोस्ट के थ्रू जो पैसे भेजे जाते हैं वो भी लाते हैं वो हमारे लिए, और टेलीग्राम्स. तो ये सब वो पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट करके फिर हमारे घर पर पहुंचाते हैं. शॉपकीपर, जिन्हें हम ग्रोसर भी कहते हैं, वो अलग अलग सामान बेचते हैं जैसे कि शुगर, शक्कर, ग्रेन्स, अनाज, पल्सेस, दाल, सॉल्ट, नमक और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हमें शॉपकीपर बेचते हैं, सेल करते हैं. तो हमने देखा कि अलग अलग जो प्रोफेशंस होते हैं उन्हें करने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं और वो किस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं. नाउ वी विल डू दिस एक्टिविटी. कंप्लीट द पजल विद द क्लूज गिवन. यहाँ पर हमें फोटोज देख देख के उनके नाम देखने हैं कि किन को क्या बोलते हैं और यहाँ पर पजल कंप्लीट करना है. तो सबसे फर्स्ट पे है बार्बर, नाई, तो यहाँ पर हम बार्बर लिख देंगे. BARBER, ये R आएगा. BARBER. सेकेंड में हमें दिख रहा है कि ये पुलिसमैन है तो हम यहाँ पर पुलिसमैन लिख देंगे. थर्ड पोस्टमैन. फोर्थ डॉक्टर, तो यहाँ पर हमने डॉक्टर लिख दिया. नाउ वी विल डू एक्सरसाइज. मैच द कॉलम. यहाँ पर हमें लोगों के नाम दिए हुए हैं, कौन क्या काम करता है उससे हमें मैच करना है. तो कॉबलर क्या करता है, मैंड्स आर शूज, हमारे शूज ठीक करता है. टीचर हेल्प्स अस विद आर लेसन्स इन स्कूल. स्कूल में हमें लेसन्स पढ़ाती हैं. पोस्टमैन ब्रिंग्स आर लेटर्स, हमारे खत हमें पहुँचाता है. शॉपकीपर सेल्स अस थिंग्स, हमें सामान बेचता है. डॉक्टर हेल्प अस टू गेट वेल व्हेन वी आर इल, जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर हमारी हेल्प करते हैं हमें ठीक होने में, ठीक करने में. पुलिसमैन कैचेस थीव्स, चोर को पकड़ते हैं. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स. यहाँ पर आपको ब्रैकेट में दो वर्ड्स दे के रखे हैं तो आपको बताना है कि कौन सा सही है, उस पर आपको टिक करना है और ब्लैंक्स में फिल करना है. द पुलिसमैन हेल्प्स अस टू कैच डैश. पुलिसमैन किसको पकड़ने में हेल्प करता है, थीव्स को, चोर को कि मॉस्किटो मच्छर को, थीव्स को. द पोस्टमैन ब्रिंग्स अस डैश. पोस्टमैन हमारे लिए क्या लाते हैं, मिल्क लाते हैं या लेटर्स लाते हैं, लेटर्स. द डैश मैंड्स आर शूज, हमारे शूज को कौन ठीक करता है, कॉबलर या डॉक्टर, कॉबलर. When we are ill, we go to a dash. जब हम बीमार पड़ जाते हैं तब हम किसके पास जाते हैं, टेलर के पास या डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास. A dash helps us with our lessons in the school. तो कौन हमें स्कूल में लेसन समझने में, उन्हें पढ़ाने में हेल्प करते हैं, टीचर या फिर पुलिसमैन, टीचर. थर्ड इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस.
हु हेल्प्स यू विद योर लेसन इन स्कूल, आपको स्कूल में कौन हेल्प करता है लेसन के साथ, लेसन समझने के लिए? द टीचर हेल्प अस विद आर लेसन इन स्कूल. हु मेंड्स शूज एंड स्लीपर्स, आपके शूज और स्लीपर्स टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो उन्हें कौन ठीक करता है? कॉबलर. तो कॉबलर मेंड्स शूज एंड स्लीपर्स. वॉट डज अ पोस्टमैन डू, पोस्टमैन क्या करता है? पोस्टमैन ब्रिंग्स अस लेटर्स, हमें लेटर्स लाकर देते हैं. हु कैचेस थीव्स, चोर को कौन पकड़ता है? पुलिसमैन कैचेस थीव्स. तो ये पूरी जो बुक में करने वाली एक्सरसाइज है वो आपको बुक में करनी है, प्लस कॉपी में भी करनी है, और ये जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है ये भी आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है.